हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सुपर टेस्टी मटन करी बनाने का एकदम नया, अलग और आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से जब आप मटन करी बनाएंगे ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आप हर बार फिर इसी तरीके से मटन करी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और अमेजिंग बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर टेस्टी मटन करी। तो मटन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 750 ग्राम मटन लिया है। मटन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मटन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन एंड वॉश करना होगा, तो चलिए कर लेते हैं। और अब देखिएगा, मटन को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से 3 से 4 बार धो लिया है, और धोने के बाद इसके सारे पानी को बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल दिया है। मटन के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसका पानी निकालने के लिए जब आप मटन को धोएं तो उसे किसी जालीदार बर्तन में करके रख दें, जिससे कि उसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से छन जाए। और साथ में देखिएगा, हमने यहाँ पर ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। तो इसमें से हमें 2 प्याज को देखिएगा इस तरीके से गोलाई में कट करना होगा। तो गोलाई में कट करने के लिए पहले हम 1 प्याज को 2 हिस्सों में कर लेंगे, और उसके बाद देखिएगा इस तरीके से हम गोल गोल इसको पतला पतला स्लाइसेस में कट करेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिएगा 2 प्याज को पतला पतला कट कर लेंगे, और फिर देखिएगा उसके बाद हम प्याज को इस तरीके से हाथों से मसलते हुए इसके हर एक पेटल को अलग कर लेंगे। इस तरीके से जब हम प्याज के हर एक लच्छे को अलग कर लेते हैं, तो इससे जब हम प्याज को भूनते हैं बहुत ही अच्छी भूनकर तैयार होती है। और बाकी की 2 जो प्याज हमने बचा कर रखी है उसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे, और 25 से 30 कलियां लहसुन की, यानी कि लहसुन की पूरी एक गांठ छीलकर इसमें डालेंगे, और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा काटकर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर जार का ढक्कन लगाएंगे और सभी का एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जब हम प्याज को पीसेंगे इसमें हल्का सा पानी डाल लेंगे, क्योंकि पानी डालने से प्याज का पेस्ट जो है बहुत ही आसानी के साथ पीसकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्याज को हमने बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया है। सभी चीज़ें देखिएगा एकदम फाइन पीसकर तैयार हुई हैं। तो चलिए इन्हें एक बाउल में निकालते हैं, और अब फिर से उसी जार में हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली काट कर डालेंगे, और 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इनका भी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और अब गैस पर एक कुकर रखेंगे, और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनी मटन करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे, और अब मीडियम फ्लेम पर हमें प्याज को लगातार चलाते हुए भूनना है। तो प्याज को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज पर बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन कलर ना आ जाए। तो बीच बीच में देखिएगा, हम प्याज को इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो एक ही तरफ से जले नहीं, चारों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से एक जैसी भुनकर तैयार हो। और अब देखिएगा, प्याज पर बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन कलर आने लग गया है। प्याज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से भुनने लग गई है। तो इस टाइम पर हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसालों में हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 स्टार फूल लिया है, 3 से 4 हरी इलायची ली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 काली इलायची ली है, 4 से 5 लौंग और 1 पीस जावित्री का लिया है। तो इनको भी अब प्याज में डालेंगे, और 2 तेज़पत्ते डालेंगे, और अब कुछ सेकेंड के लिए इन मसालों को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। और अब मसाले भी हल्के से भुन गए हैं। तो चलिए इस टाइम पर हमने जो प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा था उसे भी कुकर में डालेंगे, और अब प्याज के पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स करते हुए हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो प्याज अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमें जब तक भूनना है जब तक कि इनके अंदर जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से निकल ना जाए। तो इसको देखिएगा इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम भूनेंगे, और पेस्ट को हमें यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। फ्रेंड, जब हम प्याज के पेस्ट को इस तरीके से भूनते हैं तो उसमें से हल्के हल्के छींटे आते हैं, तो इसके लिए हम इसको ढक देंगे, और बीच बीच में ढक्कन हटाकर हम इसको चलाते रहेंगे। और जब तक कि देखिएगा इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए जब तक हम प्याज को भूनेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से भून गया है, और प्याज में बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, और इसने ऑयल भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पर हम इसमें मटन ऐड करेंगे, और अब मटन को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। और इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मटन को हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। अगर मटन को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे तो मटन जो है पानी रिलीज करने लगेगा। तो यहाँ पे अभी हमें मटन से पानी को रिलीज नहीं करना है, इसलिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। और शुरू के 5 मिनट देखिएगा हम इसको इसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। मटन को हमें जब तक भूनना है जब तक कि जो मटन का कलर है वो पूरी तरीके से चेंज ना हो जाए, यानी कि मटन जो है वो रेड से वाइट कलर का ना होने लगे।
और अब देखिएगा मटन को भुनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और मटन का कलर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया था। इस टाइम पर हम इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये तीखी कम होती है और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, और साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब इन मसालों को भी मटन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो इसी तरीके से देखिएगा इनको चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 से 3 मिनट इनको इस तरीके से चलाते हुए भूनने से जो इनका कलर है बहुत ही अच्छी तरीके से मटन के ऊपर आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि मटन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ गया है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे और लो फ्लेम पर मटन को ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए भूनेंगे, और बीच बीच में 1 से 2 बार ढक्कन हटाकर हम इसको चला भी लेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। और अब देखिएगा मटन को भूनते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं और मटन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से भुन रहा है। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसी टाइम पर हमने जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रखा था उसे भी डालेंगे। और हमने इसमें अब टमाटर डाल दिया है, तो टमाटर के साथ साथ इसमें नमक भी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और साथ ही में इसमें कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। एक बार आप डालकर देखिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है इससे। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच मीट मसाला डालेंगे। मीट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब सभी मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हमें यहाँ पर भूनना है। तो पहले सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस टाइम पर हमने गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पहले 2 मिनट सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। फ्रेंड, जब आप इस तरीके से मटन करी बनाएंगे ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आप उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चढ़ जाएंगे। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है, और इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, नान, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर ढककर सभी को हम 15 मिनट के लिए भूनेंगे। और बीच में 1 से 2 बार हम कुकर का ढक्कन हटाकर मटन को चेक भी करेंगे, वरना मटन जो है वो नीचे लग सकता है। और अब मटन को भूनते हुए देखिएगा 15 मिनट हो गए हैं और मटन और सभी मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं कि मटन ने जो है ऑयल को रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पानी जो हमें यहाँ पर डालना है वो गर्म पानी इसमें डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि गर्म पानी जब हम डालते हैं तो इससे क्या होता है कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी नहीं रुकता है, और मटन करी बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ग्रेवी को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर कुकर में 3 विसल आने तक हम मटन को पकाएंगे। हमने यहाँ पर मटन को बहुत ही अच्छी तरीके से भूना है, तो ये 3 विसल में पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाएगा। वैसे ये मटन की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका मटन जो है वो हार्ड है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन मैंने जो मटन लिया है वो अच्छी क्वालिटी का मटन है, इसलिए ये जल्दी ही पक जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 3 विसल के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसका जो प्रेशर है वो पूरी तरीके से निकल गया है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, और यहाँ पर देखिएगा हमारा सुपर टेस्टी मटन करी बनकर एकदम तैयार है। सबसे पहले आप इसका कलर देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है, और खुशबू के तो क्या ही कहने, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू हो रही है। और मटन के पीसेस भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, पूरी तरीके से पक गए हैं। ये देखिएगा, आपको चेक करके दिखाते कि मटन हमारा कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही इजीली कट कर ये अलग हो जा रहा है। इसका मतलब है कि मटन हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच देसी घी और डाल दीजिएगा, इससे इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर देखिएगा हमने गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर दिया है और लो फ्लेम पर ढककर हम इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि जो घी का फ्लेवर है वो मटन के अंदर तक अच्छी तरीके से आ जाए। और 2 मिनट के बाद ये देखिएगा आप इसकी रंगत देख सकते हैं, एकदम ही चेंज हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और फ्रेंड्स अगर आप इसमें हरा धनिया डालना चाहते हैं तो इसी टाइम पर आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो चलिए अब इसको ढककर रखेंगे 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए, उसके बाद इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की बनाई सुपर टेस्टी और सुपर इजी मटन करी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।